गांव अनगढ़ के पास दो ट्रकों की टक्कर हो गई, जिसमें दो लोगों की मौके पर मौत हो गई। यह मृतक एक ट्रक में एक कैलेंडर था और एक चालक था। इस घटना के बाद वहां पर काफी लंबा जाम लग गया, जिस कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस इस घटना की सूचना मिलने के बाद देरी से पहुंची, जिस कारण मौके पर मौजूद लोगों में आक्रोश था। लोगों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। बाद में जब पुलिस पहुंची तो ट्रक में फंसे लोगों को बाहर निकालने की कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस ने दोनों व्यक्तियों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी। इस घटना के बाद क्षेत्र में कई तरह की चर्चाएं चल रही है। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटना में दो लोगों की मौत हो गई है, जिस कारण यह हादसा हुआ उनकी जाँच की जा रही है। आज मैंने 7:15 पर कंट्रोल रूम में और एम्बुलेंस को फोन किया, तो एम्बुलेंस का वाले का फोन आया अभी हम आ रहे हैं, 10-15 मिनट और लगेंगे। ये ट्रक, दो ट्रक आपस में टकराए हैं। हाँ सर, एक शायद एक कैजुअल है, एक इमरजेंसी फंसा हुआ है, उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यमुना नगर की तरफ ट्रक जा रहा था, इसकी उस ट्रक में टक्कर हो गई है। वो ट्रक मौके से फरार हो गया, इसमें दो आदमी हैं, दोनों की मौत हो गई है और रोड जाम था, फिर रोड खुलवा दिया है। डेड बॉडी नहीं निकाल के सरकारी अस्पताल करनाल पहुँचा दी गई है। हमने ड्रा मंगाया है, एम्बुलेंस मंगाई है और ये इनकी बॉडी बाहर निकाली है, बॉडी बाहर निकाल के करनाल पहुँचा दी गई है। हाँ, फंसे हुए थे, हमने आके निकाला है जी। ना ना ना